वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फिर से एक नए व्लॉग में सब लोगों का स्वागत है। आज हम आए एक और एक नए लाइट के साथ। तो दोस्तों आज हमारे साथ है ये वाला लाइट जो है AD200 Pro। चलिए फिर शुरू करते हैं, खोलते हैं बॉक्स को, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों बॉक्स खोलने के बाद मिल जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। ये जो है पॉकेट फ्लैश का मैनुअल है, और उसके बाद में मिलता है आपको एक गोडॉक्स AD सीरीज़ की पूरी लिस्ट जो भी अवेलेबल है, एक वारंटी कार्ड और सिलिकॉन जेल और QC पास का एक चाइना और इंग्लिश में लिखा हुआ एक स्टिकर। उसके बाद में आता है मेन वाला बॉक्स। तो दोस्तों ये है एक कंप्लीट पैक, तो खोलते हैं उसको और देखते हैं क्या है अंदर। पैक दोस्तों खोलने के बाद पूरी की पूरी डिश आपके सामने। तो पैक खोलते ही आपको मिल जाता है ये वाला जो चार्जर जो बैटरी चार्ज करने में काम आएगा, और उसके बाद में एक बैटरी WB29 जो कि बैटरी का मॉडल नंबर है, और कितनी MAH के है, अराउंड 2900 MAH की बैटरी है। अराउंड 800 to 900 शॉट्स आप इसे शूट कर सकते हो। आता है एक बल्ब, यूनिट बल्ब जिसको कहते हैं, और उसके बाद में आता है यूनिट बल्ब का हेड। उसके बाद में आता है मेन चीज़ जो कि है उसका माउंट, इससे आप माउंट कर सकते हो लाइट, और एक केबल आती है, और उसके बाद आता है ये वाला मेन लाइट। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और देखते हैं बाकी के फीचर्स इसके क्या क्या हैं। तो डालते हैं इसमें बैटरी। तो बैटरी डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड को आपको मिलेगा एक स्विच, उसको आपको ऑन करना है। ऊपर पुश करने के बाद ऑन हो जाता है। ऑन होने पर ऐसा कुछ इसका पीछे का डिस्प्ले दिखता है पूरा। तो पीछे इसके दोस्तों ऊपर दो बटन है, एक मोड, एक ग्रेड और चैनल चेंज करने के लिए, और उसके बाद में एक पोटेंशियोमीटर जो आपको वैल्यूज चेंज करने में मदद करता है। उसके बाद में एक बीच में उसके सेट का बटन है, और मेन्यू और वाईफाई का बटन। दोस्तों इसके साथ एक ख़ास बात, इसके आगे आपको मॉडलिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं इस वाले हेड के साथ, तो उसका बटन भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप उसको चालू कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे कुछ चालू होता है बटन दबाने के बाद, और उसके बाद में आता है टेस्ट का बटन, जो वाला ये रेड वाला है वो टेस्ट कर सकते हैं आप इससे। दूसरी दोस्तों इसकी एक और एक अच्छी बात मुझे लगी ये कि इसको जो माउंटिंग ग्रूव्स है उसको 3 माउंटिंग ग्रूव्स दिए गए हैं, एक जो है यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ पे नीचे। तो इसके उसको थोड़ा सा गैप्स भी दिया गया है दोस्तों, तो माउंट जो है उसका ये वाला वो उसको परफेक्टली बैठ जाता है और लाइट आपका घूमता नहीं है। AD200 से यही प्रॉब्लम थी कि जब आप उसको माउंट करते हो ऊपर कहीं पे भी, मतलब स्टैंड के ऊपर, वो अंदर के अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा लूज लगा देते हो तो घूम जाता था पूरा, और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता था। वो दिक्कत AD200 Pro में नहीं आएगी, क्योंकि इसको एक माउंट, एग्जैक्ट माउंट दिया गया है जो इसके अंदर ठीक से बैठेगा और हिलेगा नहीं, लाइट को हिलाएगा बिल्कुल नहीं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक जो है गोडॉक्स बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहा है, लेकिन तो AD200 भी था तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी दोस्तों, उसको भी क्वालिटी वाइज कुछ नहीं बोला जा सकता। जो सिम्पेक्स और जो बाकी के डिजिटेक के वगैरह लाइट है वो इससे कम्पीट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो रिज़ल्ट लाइट देता है वो बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। तो बेझिझक आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें लाइट में, तो थोड़ा सा महंगा आता है सिम्पेक्स और डिजिटेक्स से, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देता है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो गोडॉक्स का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है आपको, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, तो ड्यूरेबल आपको आता ही आता है, कुछ टेंशन नहीं है। अब आती है बात, इसको प्रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि AD200 और AD200 Pro में कुछ भी फ़र्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन का चेंज है। और प्रो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये अपडेटेड वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है, उनको कुछ तो नाम देना था इसको, तो इसके लिए इसको प्रो बोला जाता है। तो प्रो के हिसाब से मेरे को इसका एक फीचर अच्छा लगा, ये लोएस्ट 256 को जाता है, जो कि AD200 है वो 128 को ही जाता है, और बाकी फ़ीचर्स तो ऑलमोस्ट दोस्तों सेम ही है इसके AD200 जैसे। लेकिन ये वाला जो फीचर था हमारा AD200 Pro का 256 तक लोएस्ट लाइट आपको ये देता है। तो दोस्तों ये वाले व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, एंड वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।
Thank you.